आई क्राइड अलॉट. मतलब मैंने इससे पहले कभी भी अपनी फैमिली में किसी की भी डेथ नहीं देखी थी. हे फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड अ न्यू वीडियो. आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे. मैं अभी फिलहाल बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना मैं बिल्कुल भी बेटर फील नहीं कर रही थी. बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि मेरी लाइफ में ना एक भूचाल चल रहा था, एक बहुत बड़ी हलचल चल रही थी. एंड समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि मैं एक तो अकेले भी थी, तो मुझे सिचुएशन से कैसे डील करना है, कैसे बाहर निकलना है, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. और मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि मुझे आप लोगों के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए, आप लोगों के साथ बातें करनी चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि हो क्या रहा है. बट ना, सच बताऊँ तो एक हिम्मत सी नहीं पड़ रही थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी. तो मैंने आज ऐसे तैसे करके सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, तो आप भी याद कर रहे होंगे कि कहाँ गई शिवानी एंड क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों गायब है. तो मैं इसलिए सोचा कि आज बैठ करके आप लोगों के साथ ना बातें करती हूँ. तो फिलहाल ये देखो, बेला मेरे पास है. बेला से आप मिल ही चुके हो, मेरे व्लॉग में नहीं बट रवि के व्लॉग में मिल चुके हो. रवि ने वीडियो डाली थी कि अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रे डॉग. वैसे आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि हुआ क्या है. आम ना बच्चा छोजा छोजा. एक्चुअली ना इसको नींद नहीं आती है, इसको मेरी गोद में ही नींद आती है, तो इसलिए मैं अपने गोद में इसको सुला रही हूँ. तो टाइटल से आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या. बट यार जो भी हुआ ना, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, और मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न रहा. और मतलब नए साल पे ही ऐसा होना था. बट एनीवेज, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो मैं पॉजिटिव ही सोचने का ट्राई कर रही हूँ. हो नहीं पा रहा है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि इट्स ओके, शुरुआत बेकार गई है, बट कोई बात नहीं, साल पूरा अच्छा जाएगा. एंड आई होप आप लोग भी प्रे करना मेरे लिए, और मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करूँगी कि सबका साल जो है वो अच्छा जाए. ये वाला कोई बात नहीं, 2021 चला गया, जो बुरा होना था बहुत बुरा हो लिया उसमें. बाय बाय टाटा, अब 2022 का हम स्वागत करते हैं. सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. मैं न्यू ईयर पे वीडियो नहीं बना पाई आप लोगों को विश करने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही अपसेट चल रही थी ना. तो हुआ क्या यार, कि पिछले कुछ दिन पहले ना मिठू हमारे बीच में नहीं रहा. अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि रवि ने कुछ दिन पहले ही पठानकोट में, जब मैं थी, तो वहाँ पर ना मुझे दो लव बर्ड्स दिए थे. एक कपल दिया था मुझे, तो उनका नाम मैंने रखा था मिठू और मिष्टी. बहुत प्यारे बच्चे थे और मेरा उनके साथ दिल लग गया था, तो मैं मतलब उनके साथ जहाँ भी जाती थी तो मैं साथ में लेकर के जाती हूँ उनको. और प्यार सा पड़ गया था उनके साथ मुझे, बहुत ज़्यादा यार पड़ ही जाता है, चाहे वो एक दिन के लिए हो, दो दिन के लिए हो. बट जिसको आप पालते हो, पोसते हो, जिसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, जिसको खिलाते हो, पिलाते हो, जिसकी केयर करते हो, तो उसके साथ अटैचमेंट हो ही जाती है. तो चाहे कम दिनों के लिए ही था मेरे पास, लेकिन अटैचमेंट तो हो गई थी ना, तो प्यार तो बढ़ ही गया था. मतलब मेरे को तो अंदर से मदरली लव फील आता था. मतलब वैसा फील आता था कि मेरे बच्चे हैं ये सारे, और इन बच्चों को मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहती, वैसा वैसा. तो कुछ दिन पहले क्या हुआ कि पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मुझे भी समझ में नहीं आया. तो पूरा सब कुछ सही था, मैं शिमला से वापस आ गई थी, कसौली से वापस आ गई थी, सब कुछ सही चल रहा था. बच्चे चहक-चहा रहे थे पूरा, यू नो, खुश थे. आप लोग बोलते थे कि इनको छोड़ दो छोड़ दो, तो मैं नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि मैंने सुना था कि ये जो है ये पिंजरे के अंदर ही, केज के अंदर ही सेफ फील करते हैं, और ये बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनको छोड़ दिया तो जो दूसरे बर्ड्स हैं वो इनको खा जाते हैं. तो हम इनको नहीं छोड़ सकते और ये पिंजरे के अंदर ही सेफ फील करते हैं. तो मैं इनको ना पिंजरे के अंदर ही रखती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा रूम में इनको छोड़ देती थी, खुला घर में छोड़ देती थी इनको मैं. तो उस दिन मैंने इनको धूप सिकाई, छत में अच्छे से इनके साथ टाइम स्पेंड किया, खेला, खिलाया, पानी दिया, सब कुछ अच्छा अच्छे से चल रहा था दिन में. एंड बहुत चहचहारी क्या बोलते हैं, मतलब जो इनकी लैंग्वेज होती है वैसे चहक रहे थे, काफ़ी ज़्यादा खुश थे. और शाम को भी मैंने उनको देखा, तो क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको ना देखती रहती हूँ कि
ठीक है, ठीक अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं या खेल रहे हैं। तो मैं उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद देख रही थी, तो सब कुछ ठीक था, शाम तक बिल्कुल ठीक था। फिर मैं उनको जैसे कि बालकनी में रखती हूँ धूप में, तो जैसे ही शाम हुई मैं अंदर ले आई और अंदर रख दिया। तो जब मैंने उसको केज को उनके केज को बाहर से बालकनी से उठा के अंदर रखा, तो दोनों मिट्ठू और मिष्टी दोनों ही सो रखे थे एक दूसरे को हग करके, क्योंकि वो ऐसे ही सोते थे हमेशा। मतलब जब भी मैं उनको सोते देखा तो एक दूसरे को हग करते, एक दूसरे के मतलब कंधे पे सर से सर के ऊपर सर रख करके ऐसे सोते थे वो लोग, तो वैसे ही सोए हुए थे। तो मैंने सोचा सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ मैं, और मैंने लिया और अंदर रख दिया और उनको अच्छे से कपड़े से कवर कर दिया उनके केज को, ताकि उनको ठंड ना लगे। हुआ क्या कि जो जो ना मिट्ठू मिष्टी को देख के बहुत एक्साइटेड होता है, तो वो भौंकने लगा, और जैसे वो भौंकने लगा मुझे लगा पता नहीं क्यों परेशान कर रहा है, वो सो रहे हैं और ये परेशान कर रहा है। तो मैंने जैसे वो केज को उनको मैंने देखा कि वो सो रहे हैं या क्या, तो मैं हैरान हो गई। मतलब मिष्टी तो आराम से बैठी हुई थी ऊपर और मिट्ठू नीचे गिरा हुआ था, वो मतलब बेहोश टाइप का था उस टाइम पे, था होश थी उसको लेकिन बिल्कुल ही वीक पड़ा हुआ था उस टाइम पे वो। तो मैंने उसको उठाया, मैं डर गई बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे रात हो चुकी थी और मैं घर में अकेले थी। रवि एक्चुअली हिमाचल के लिए निकल गया था वापस, एंड मम्मी ब्यास में चले गए थे उसी दिन, मम्मी ब्यास में गए और रवि हिमाचल के लिए निकल गया। और फिर मिठू को मैंने उठाया, मेरे तो हाथ हाथ कांप गए, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मैंने ज़िंदगी में कभी भी बर्ड्स को पेट नहीं किया कभी भी, और कैसे इनकी केयर करते हैं। मैं अपना बेस्ट ट्राई जो था ना, मैं बेस्ट ट्राई कर रही थी, यूट्यूब से वीडियोस देख देख करके, गूगल कर करके मैं पूरा ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझे अब समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि रात हो चुकी है, दुकानें बंद हो चुकी हैं, मार्केट्स बंद हो चुकी हैं, मैं कहीं अकेले हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती, मेरे साथ ये बच्चे भी हैं, मिष्टी भी है, जो जो भी है, बेला भी है, मैं इनको घर में अकेले भी नहीं छोड़ सकती, इनको छोड़ूंगी तो ये भी रोते हैं। तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आया कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। और मैंने मेरी एक सब्सक्राइबर आई थी मेरे पास थोड़े दिन पहले, तो उसके पास भी बर्ड्स थे, लव बर्ड्स थे, तो उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया था कि दीदी कैसे केयर करते हैं कैसे नहीं। मैंने उसी को कॉल करी कि यार ऐसा ऐसा है, और मैंने उसको वीडियोस भेजी और उससे फ़ोन में बात करी कि कैसे हो कैसे नहीं हो। तो उसने क्या किया, उसने ना फिर आगे उसके मतलब डॉक्टर के साथ, फैमिली डॉक्टर होगा कोई क्योंकि उनके पास भी बर्ड्स हैं, तो उसने बोला कि मेरे को वीडियो भेज दो, मैं आगे कॉन्टैक्ट करती हूँ और पूछने की कोशिश करती हूँ कि हुआ क्या है। और सच में मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि हुआ क्या। जब मैंने मिट्ठू को हाथ में लिया था ना, तो वो पतली पतली, उसने दो तीन बार पॉटी करी थी, तो मुझे लगा शायद लूज मोशन ना लग गए हों इसको, तो मुझे कंफर्म नहीं था कि हुआ क्या है, कैसे देखना है कैसे नहीं। एंड मैंने वीडियोस भेजी उसको, नवजोत को जो मेरी सब्सक्राइबर थी, और उसने वो वीडियोस आगे डॉक्टर को भेजी, लेकिन वहाँ से आगे से रिस्पांस टाइमली नहीं आया। मैं वेट करती रही कि अभी आएगा पता चलेगा, और नहीं आया। और थोड़ी देर बाद मैंने उसको मिट्ठू को ना पूरा अच्छे से ढक दिया, मुझे लगा कहीं ठंड ना लग रही हो। एंड थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो ही वॉज, मतलब मुझे समझ नहीं आया, उसकी बॉडी पूरी पूरी ज़्यादा पूरी स्टिफ हो गई थी। पहले वो सांस ले रहा था, जब मैंने उसको वीडियोस भेजी ना, तो वो हल्की हल्की सांस ले रहा था, उसकी हार्ट बीट्स भी चल रही थी, उसकी चोंच भी चल रही थी। ये देखो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। मिट्ठू मेरी मिट्ठू, क्या हुआ मेरी मिट्ठू को? मिट्ठू इधर देखो, इधर देखो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मिठू खा ले बच्चा, खा ले खाना, खा ले मिठू खाना, खा ले मिठू गाना गा ले, मिठू गाना गा ले, पाला बच्चा खाना खा ले, खाना खा ले मिठू। तो सब कुछ मुझे था कि बस वीक फील कर रहा है, बट इसकी हार्ट बीट भी चल रही है, इसकी चोंच भी चल रही है। और मैंने इसको खिलाने की कोशिश करी कि चाय शायद से थोड़ा सा खा ले, शायद से वीक हो गया होगा। मैंने पानी पिलाने की कोशिश करी, सब कुछ किया, लेकिन मिट्ठू ने रिस्पांस नहीं दिया मेरे को। तो मुझे लगा कि थोड़ी देर मैं इसको छोड़ देती हूँ, बट थोड़ी देर बाद छोड़ने के बाद मैंने जब उसको थोड़ी बार देखा उसको, तो
उसकी बॉडी पूरी स्टिफ हो चुकी थी, गर्दन पूरी स्टिफ हो चुकी थी, उसके पंजे पूरे मुड़ चुके थे एंड मेरे को तो ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो हुआ क्या। बट देन मैंने थोड़ा बहुत देखा उसको, उसके पंजे वंजे, उसकी हार्ट बीट्स कुछ पूरा देखा, तो पता चला कि ही इज नो मोर, ही इज डेड। एंड आई क्राइड अ लॉट। मैंने इससे पहले कभी भी अपनी फैमिली में किसी की भी डेथ नहीं देखी थी। मिट्टू ऐसा पहला पर्सन था। तो मिट्टू को देखा मैंने कि वो डेड हो गया है। तो उससे पहले ना मैंने एक्चुअली रवि को कॉल करी थी एंड मैंने रवि को बोला था कि ज़्यादा दूर नहीं गए हो तो प्लीज़ वापस आ जाओ, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास लेकर के जाना है, कोई भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ अकेले। तो उस टाइम पर रवि ने पता नहीं फ़ोन नहीं उठाया, उसको नहीं समझ में आया, मतलब उसने शायद फ़ोन ही नहीं उठाया उस टाइम पे। और उसने मुझे बोला कि मैं, जब मेरी बात हुई तो उसने बोला कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, एक घंटे में आ रहा हूँ वापस। लेकिन जब तक रवि वापस आया घर में तब तक बहुत लेट हो चुका था, मिट्टू की डेथ हो चुकी थी एंड सब कुछ ख़त्म हो चुका था उस टाइम पे। फिर क्या, बस मुझे समझ ही नहीं आया हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम हुई, कुछ खाने में प्रॉब्लम हो गई या ठंड लग गई या क्या हुआ। मिष्टी अभी तक ठीक है, वो अभी तक सरवाइव कर रही है, अच्छे से खेल रही है, लेकिन मिट्टू को अचानक से क्या हुआ पता नहीं। वो अच्छा था यार, सब कुछ ठीक था, सब इन्हें तक ही पहले से बीमार चल रहा था। अगर थोड़ा पहले से बीमार चल रहा होता तो मैं उसको डॉक्टर को दिखाती या कुछ करती, सब कुछ ठीक था, शाम तक सब ठीक था। एंड अचानक से हुआ जो भी हुआ, पता नहीं कुछ खाने की वजह से हुआ या फिर उसके गले में वो दाना फंस गया या फिर लूज मोशन लगे तो वो क्यों लगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। रात के टाइम पे तो नहीं उसका अंतिम संस्कार कर सकते थे, तो फिर इसलिए उसको लपेट के अच्छे से मैंने कपड़े से लपेट के उसको रख दिया, सुलहा दिया। एंड फिर सुबह हुई तो सुबह मैं और रवि गए और हमने, मतलब जैसे होता है कि मिट्टी की खुदाई करी और फिर मिट्टी के अंदर हमने मिट्टू को डाल दिया। क्योंकि मैंने आज तक इससे पहले डेथ होती दीदी के बहुत दूर दूर रिश्तेदारों में हुई और फ्रेंड्स में हुई, बट मैंने इतना कभी पर्सनली इतना क्लोज लेवल से मैंने किसी की डेथ को फील नहीं किया था, और ये फर्स्ट टाइम था एंड आई वॉज इन अ शॉक। तो मैं इसलिए फिर कुछ दिन मैंने वीडियोस नहीं बनाई, मैंने सोचा कि थोड़ा सा ठीक हो जाती हूँ फिर उसके बाद मैं आराम से बैठ करके वीडियो बनाऊँगी, आपको बताऊँगी। एंड बस उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, सिचुएशन ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, मैं मतलब प्रिकॉशंस ले रही हूँ हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ में ओवर कर रही हूँ, केयर में, प्रिकॉशंस में, हर चीज़ में। और मैं बेला का भी ध्यान में पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसका भी ध्यान रखूँ, क्योंकि इसको भी मैंने अडॉप्ट किया है तो इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है। तो जो अभी 1 साल का होने वाला है तो जो थोड़ा बड़ा हो गया है ठीक है, बट ये अभी बच्चा है तो इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको हमेशा अपने पास रखती हूँ और अपने गोद में ही सुलाती हूँ इसको, और कोशिश करती हूँ कि ये भी ठीक रहे, बीमार ना पड़े, हेल्दी रहे ये भी और मिष्टी भी हेल्दी रहे। अभी मिष्टी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि मिष्टी भी अकेले पड़ गई है, उसको भी अब याद आती है, क्योंकि दोनों में इतना ज़्यादा प्यार था मिट्टू और मिष्टी में ना, एक दूसरे के साथ मिट्टू मिष्टी को छेड़ता था और मिष्टी इरीटेट होती थी, और फिर उसके बाद दोनों हग करके सोते थे साथ में, बातें करते थे। तो अभी फिलहाल मिष्टी भी अकेले है, तो या तो
मुझे मिष्टी के लिए कोई पार्टनर लाना पड़ेगा या फिर किसी और को देना दे दूंगी मिष्टी को, ये कर सकती हूँ। उड़ा नहीं सकती यार, क्योंकि उड़ा दिया तो ये भी मर जाएगी, ये भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है कि मिट्टू की डेथ मेरे ऊपर है, मेरी वजह से उसकी डेथ हुई, क्योंकि मैं शायद से केयर नहीं कर पाई उतना, या मेरे को नहीं पता था कि कैसे केयर करनी है, कैसे नहीं, क्या करना है क्या नहीं। तो मुझे ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, तो मैं नहीं चाहती कि अब मेरी वजह से किसी की भी जान जाए, इसलिए मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। तो आप मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतनी ही बातें, बाकी मैं बेला के साथ बनाऊँगी और वीडियोस और जो जो के साथ। हाँ मेरा बच्चा जाग गया, जाएगी मैं शो नहीं जाऊँगी। चलो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।